नमस्कार मंत्य को स्वागत करीमा आसंता एप्रिल 28 रु युक्त दुई बोर्ड परीक्षा परीक्षा नहीं एचएससी पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पाई चलित थर राज्य में परीक्षा देवे 3,20,000 छात्र छात्री विज्ञान कला वाणिज्य धंदामूलक शिक्षा परीक्षा हे खराक देखी दैनिक सका 9:00 गोटे सेटिंग रे परीक्षा करने को निष्पत्ति मोट उपर जी कह परीक्षाप प्रस्तुति आरंभ होने परीक्षाप कम दिन समय रही उभय छात्र छात्री कलेज करतृपक्ष अभिभावक केते प्रस्तुत रही एने आलोचना करवा आम सहित प्रथम एवं जोड़ी होती बालेश्वर आम प्रतिनिधि प्रकाश महांती रही प्रकाश जेहेतु बर्तमान प्लस टू एग्जाम डेट डिक्लेयर भी हो सारी प्रस्तुति विभिन्न पर्यायर आरंभ हो सारी कलेज करतृपक्ष तरफ गोटे सेटिंग रे परीक्षा हे कारण चलित थर 3,20,000 छात्र छात्री भी परीक्षा देखते तो बालेश्वर परीक्षा को आज घोषणा पर केमी रही प्रस्तुति नीलिमा देखु जितेबाला किदिन पूर्व दशम श्रेणी परीक्षा अफलाइन हम बोली डिक्लेयर होता जो युक्त दुईर छात्र छात्री मैंने अच्छा से गोटे प्रकार निश्चित व सिद्धांत पहुँच सारी जहाँ भी हो आमरी से भावे हूँ तो अफलाइन परीक्षा हो पाए तो से विभिन्न कलेजर छात्र छात्री मैंने पूरा से प्रस्तुत होती तो आप देखुं ये हूँ सुलग्ना कलेज चित्र जोटे आम अच्छू बर्तन एठार छात्र छात्री मैंने अच्छा आम प्रथम से रिएक्शन टी ना कि ये परीक्षा डिक्लेयर है 28 तारीख दिन एप्रिल 28 परीक्षा हे तो एने कि से प्रस्तुति कौन रही एवं केते प्रस्तुत अच्छा परीक्षा जो खबर आसला ये खबर को लेकिन से केते खुशी अच्छा प्रथम आलोचना करमी आज्ञा कौन कहे देखिए एप्रिल 28 रु परीक्षा आरंभ हो ये जो निष्पत्ति नेले सरकार एक आप प्रथम कह देखते केते प्रस्तुत अच्छा मुझे पूरा प्रथम रु भी प्रस्तुत थी एग्जाम हाँपाई तो गवर्नमेंट जहाँ आम द्वंद्व थी कि एग्जाम हम हमी आज गवर्नमेंट डिक्लेयर करदे कि एप्रिल 28 रोचे तो मुझे भी एक्साइटेड अच्छी कमी एग्जाम देवाई निश्चित पूरा एक्साइटेड अच्छे पिला जे कोई द्वंद्वर थे जो कथ आज से द्वंद्व जो दूरीभूत होने पर एक्साइटेड अच्छे कि परीक्षा देते कौन कहे ये निष्पत्ति जो है 28 रु हम कि गोटे सीटिंग में परीक्षा हम जेहेतु ग्रीष्म रही गरम धीरे धीरे बढ़ुच्च तो निष्पत्ति कि 28 रु केत दिन जाए चलो से नहीं कहते ये पूर्व जितने परीक्षा डिक्लेयर है तो या पूर्व बहुत छात्र छात्री अभिभावक मैंने कहते द्वंद्व रोते ना अफलाइन नई अनलाइन हो जाओ कि शेष में निष्पत्ति जाओ अफलाइन हम कत प्रस्तुत अच्छा केमी कौन प्रस्तुत रखिंट आप देखो आमको तो आम कलेज प्रिपेयर कराई कि आम निजी जमी प्रिपेयर कराई तो आम अफलाइन एग्जाम देवाई प्रथम प्रस्तुत थी कहीं एमती एग्जाम मार्क देते किए भल पा किए केमी पढ़ुला निज साटिस्फेक्शन टाइप मार्क मिलून तो मो मतरे अनलाइन एग्जाम सरकार करें भी जी अध्यय व्यवसाय करूँ अफलाइन परीक्षा जीक आम अध्यय व्यवसाय करुँ अनुजाई आम फल पाइपर तो मुझक पूरा संपूर्ण मात्रा प्रस्तुत करी तो खुशी अच्छी देखते छात्री मानक आम जो छात्र मैंने से प्रतिक्रिया ना कौन कहे 28 रु हम प्लस टू परीक्षा जो युक्त दुई वाणिज्य कला विज्ञान और धंदामूलक परीक्षा हम आपण मैंने परीक्षा देते पाखापाखि 3,20,000 छात्र छात्री परीक्षा को देते आज निष्पत्ति जे कि ना एप्रिल 28 रु परीक्षा हम आप प्रस्तुत अच्छा जो अफलाइन परीक्षा हेल्ले प्रकृत छात्र छात्री मानक कौन सुविधा हम प्रथमतः सरकार निष्पत्ति स्वागत योग्य तापर एमती परीक्षाटा हेले छात्र छात्री मान प्रकृत गुणात्मक भैल्यूटा जमापड़प आउ से परीक्षा मात्र ऑनलाइन की ऑनलाइन एग्जाम होते कि क्वार्टर एंड मार्क को देखी सिलेक्शन करते छात्र छात्री मानक टैलेंट जमा पड़ ना था एमती मैंने पढ़ा प्रति गोटे आग्रह आसूसी भविष्य में एंट्रान्स मेन्ट्रान्स रही लक्ष्य कर मैंने पढ़ा प्रति मन गोटे विश्वास आसूस आम किसी करठ पढ़ा तो एमती भल सरकार निष्पत्ति जो पाने जो भर प्रतिभा रही जाइए हूँ तो से कहते अफलाइन परीक्षा हेले सुविधा ऑनलाइन हेले जो पिला शिक्षार गुणात्मक मानटा जो गोटे प्रकार जमा पड़े सर आप के प्रस्तुत पिला तो कहते समस्त पूरा गोटे प्रकार सर्वती सरकार का निष्पत्ति को स्वागत करुँचा प्रिपेयर अच्छा आप कमी कौन प्रस्तुत कर पाला सर्वप्रथम सरकार को धन्यवाद देवी जो कलेज करतृपक्ष पाने सब द्वंद्वर थे परीक्षा हम कि ना आम द्वंद्वर थी जो पाने से जी आसु मैंने आसुन आज परीक्षा आम पढ़ू कि ना किंतु आमे लागिदलो सबबेले पिलामानको पछरे जे केमिति ऑफलाइन परीक्षा हो कि ऑनलाइन परीक्षा हो सबबेले प्रिपेयर हेकि रहू पिलामान भी प्रिपेयर हेकि अछन्ति आशा करुछु पिलामान बहुत भलो करिवे आमे तांको पछरे आमे लागुछु पिलामाने तांकर भविष्यत पई जब भलो कॉलेज पखर पूरा प्रस्तुति केमिति रहै छ 28 तारिख पई परीक्षा पई संपूर्ण मात्र प्रस्तुति अछि आज्ञा आउ टे नीलिमा आउ टे पे अच्छा आउ टे रिएक्शन ना अच्छा जी जो कहते आप बहुत समय छात्र छात्री मैंने दावी करते ना अफलाइन नौ अनलाइन हो विक्षोभ करुते अभिभावक संगे कहला कि शेष में निष्पत्ति जहाँ सरकार नहीं जो निष्पत्ति कमी देखुं आप सर्वप्रथम मुझ सरकार निष्पत्ति को
संपूर्ण रूपे ग्रहणजोग्य बोली मानवि कहीं आम परीक्षा नदे भविष्य बहुत खराब हम तो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पार ना आमको क्वेश्चन ठीक से जाना भी पड़ नाम सीना प्रिपेयर हेले जाकि आगू करम भविष्य किसी करूँ तो मुझ सरकार निष्पत्ति को संपूर्ण रूपे ग्रहणजोग्य बोली मानवि मु परीक्षापी पूरा प्रिपेयर अच्छी ऑल द बेस्ट फॉर निश्चित देखते नीलिमा ये हूँ छात्र छात्री मानक रिएक्शन आप शुणी बालेश्वर जो सुलग्ना कॉलेज रही से छात्र छात्री सहित जो शिक्षक मैंने रिएक्शन दौले जेहेतु पिला भविष्य कथ ऑफलाइन परीक्षा हेल्ले से जो शिक्षार गुणवत्ता केत रही भितर के शिक्षार पोटेनसीयल रही तो से सब कथ जमापड़ से कलेज कर आरंभ कर छात्र छात्री मैंने समस्त या नहीं पूरा प्रस्तुत अच्छा सरकार के निष्पत्ति सब स्वागत करीलिमा निहती भाव में प्रकाश टी एटी अटके स्वप्नांजलि रही आम साथ न्यूज रूम में स्वप्नांजलि आप जाए देखो गोटे पटे जी देखिए एप्रिल 28 रु एग्जाम स्टार्ट हो प्लस टू परीक्षा सीजीसी पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई सारी सब बड़ कथा जदिओ कोरोना को नहीं ऑफलाइन माने पाठपढ़ बहुत व्याघात सृष्टि होती पिलाने प्रॉब्लम फेस करते कि स्टिल ऑफलाइन परीक्षा होती तेणु छात्र छात्री प्रस्तुति भी से हिसाब दरकार बोर्ड जेहेतु विज्ञप्ति प्रकाश कर सारी तो परीक्षा ने स्पेशली कौन घोषणा कराला पिलांकर ऑफलाइन परीक्षा सुरखुरी केमती हे से नहीं कौन सब प्रस्तुति रही एप्रिल 28 रु युक्त दुई बोर्ड परीक्षा परीक्षा ने सीजीसी पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पाई चलित थर राज्य में परीक्षा देवे 3,20,000 छात्र छात्री विज्ञान कला वाणिज्य धंदामूलक शिक्षा परीक्षा हो खरा को देखी दैनिक सकाळ 9:00 गोटे सेटिंग दे परीक्षा करने निष्पत्ति स्वप्नांग सहित आम कि समय भितर पुणि थोड़े जोाजोग करवा पुणि थोड़े फेरि प्रकाश आपको प्रकाश छात्र छात्री भी रही आपण सहित से दूर प्रस्तुत रही कारण देखो वास्ट कोर्स जदि जमी कहती कि जी ऑनलाइन रे पाठ पढ़ाई बहुत सारा डाउट भी क्लीयर है पिलांकर कोर्स मानने सर सहित देखते परीक्षा पाखे भी आसला तो यही समय भितर केमी से डाउट क्लीयर करजर प्रस्तुति केमती कर एग्जाम निश्चित नीलिमा एक कथा नहीं आम जाना जाए कि जेहेतु ऑफलाइन क्लास हो नाला ऑनलाइन होता पिला बहुत समय रे जो नेटवर्क नहीं समस्या देखा दूसरा कि डाउट क्लीयर कथ कहतु कार नेटवर्क रोला कार रो ना और संपूर्ण कथ से बाहर पहुँची पार ना जो कि बहुत छात्र छात्री डाउट क्लीयर कर पार्थे तो आज्ञा कौन कहे जो देखते ऑनलाइन क्लास होता से बहुत समय नेटवर्क समस्या रोला तो शिक्षक कौन कहते छात्री जापार ना कि छात्री मैंने जो कि छात्र छात्री मैंने जहाँ पचारू शिक्षक मैंने जापार ना ये डाउट क्लीयर हो पार ना तो यह समय मध्य जो कोरोना कटकणा मध्य आपड़ केमी कौन निजी प्रस्तुत करुते आप जो कहते कि आम संपूर्ण प्रस्तुत केमी कौन प्रस्तुत थी आपंकर से तो जेहेतु ऑनलाइन क्लास होता बहुत प्रथम प्रथम भी ऑनलाइन बहुत प्रॉब्लम होता जेहेतु नेटवर्क इश्यू समस्या था तो आम डाउट भी सेमती क्लीयर होता जब कलेज कला आम आसलू आम डाउट प्रथम आम रिभाइज से करागला तो आम से प्रिपेयर सर सर मैंने प्रिपेयर कले तो आम ए पूरा प्रिपेयर अच्छे अच्छा केमी कौन सारों सहित केमी इंटराक्ट है केमी जो इंटराक्ट है केमी कौन सब डाउट कौन कौन सब डाउट रही जाता है जोटा कि बर्तन पर्यटन आप सब पूरा क्लीयर बोली कहते हैं प्रस्तुत बोली कहते देखो आम लॉकडाउन पड़ा आगुरी तो आम कोर्स सरी पूरा पाखापाखि तो ओनली रिविजन ही बाकी रिविजनटा हेने कौन गोटे कन्फिडेन्ट आस आम किसी करें तो जोबले कलेज खुलला ऑफलाइन खुलला आसलू डाउट क्लीयरिंग क्लास सब चलता तो जी डाउट भी क्लीयर है कमी कौन पैटर्न भी जानलु डिस्कस है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कलु तो ये एग्जाम देखा प्रिपेयर हो अच्छा आउ कौन कौन समस्या रही है बहुत सब पिलाकर जो परीक्षा सिलेबस अनुजाई से प्रस्तुति सरी नथियो कोर्स सरी नथियो ये सब द्वंद्व बर्तन अच्छे ना नहीं जेहेतु आम ऑनलाइन आम कॉलेज सार मैंने समस्त लगिक कोर्स करते तो सडनली आम ये रिभाइज है फिजिक्स केमिस्ट्री जो थे किसी प्रोब्लेम थी सार मैंने डाउट क्लीयरिंग क्लास करके प्रायत सरीगलानी तो आम सब टेस्ट पेपर सब टेस्ट सीरीज सब आमको प्रिपेयर करदे केमी पैटर्न कौ टाइप एग्जाम हम तो आम टीचर मैंने आमको भलसे प्रिपेयर करदे तो वी आर एबल टू डू
ପିଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାହା ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ଥିଲା ତା କରିଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭିଜନ ଚାଲିଛି, ତା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନାର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ କଲେ, ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ନା ଡାଉଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲିୟର ଦେଇକି ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି? ନାଇଁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେମିତି ମୋର ପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ସାର୍ କିଛି ଡାଉଟ ଥିଲା, ତ ଆମର ସାର୍ମାନେ ଲାଗିଲୁଗା କି କଷ୍ଟ କରିକି ସାର୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ସାର୍ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ ଅଛି ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ଆସି କ୍ଲିୟର କରିବ। ତ ସାର୍ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲାକୁ ଆମେ ସବୁ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିପାରିଲୁ, ଆଉ ସାର୍ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କଲା ପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଗଲା, ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଅଛୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବା ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଲେଜ ଖୋଲିଲା, କଲେଜକୁ ଆସିକି ସେମାନେ ସାର୍ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ବସିକି ଯାହା ଡାଉଟ ବି ଥିଲା ସେମାନେ ପୁରା ସେମାନେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ 28 ତାରିଖ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ସେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଥିଲା, କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ଏସବୁ ରହୁଥିଲା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ପୁରା ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଅଫଲାଇନ୍ ହେଉ ବା ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ବି ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଡାଉଟ ଅଛି ବା ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଭାବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଗଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି କି ପରୀକ୍ଷା ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କହିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ସରିଛି, ଯାହା ଡାଉଟ ଥିଲା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା 28 ତାରିଖର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି 28 ତାରିଖରୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, 28 ତାରିଖରୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇ ତ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା କଥା, କାରଣ ଯେହେତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ତ ଶିକ୍ଷାବିତ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା ଆମ ସେଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଶୀତ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ଶୀତ ପଣ୍ଡା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆର୍ଟ୍ସର ପରୀକ୍ଷା ହେବ April 28ରୁ, କେତେ ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ ତା ଜଣା ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ ତା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ April 28ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହା CGSE ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ, ସେପଟେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତୁଟିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ଯାହା ବି ହେଉ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ହେଇଛି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥିଲା। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ର ରୂପରେଖ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ ନେଇଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି April 28ରୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। କାହିଁକି ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରି ଏ ଘୋଷଣା ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବି ପିଲାଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଡିସ୍କସନ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା, ସବୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋର୍ସ ବାହାରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉଭଳି ପରୀକ୍ଷା ହବ, ଯୋଉ ମଡେଲରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଦିଆଯିବ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବହୁତ କୋହଳ କରିଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଜଣେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଏଇ ବର୍ଷ ସେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି କେବଳ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଏଣୁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ କରିବେ ସେଟାକୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା ଚଳିବ, କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ତ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଏଣୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ଲସ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପଡିବ, କାହିଁକି ନହେଲେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ପଶି ଆସନ୍ତି, ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କପି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଯଦି ସୁପରଭିଜନ କରାଯିବ, କ୍ୱାଡିଂ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ।
तो देखिवार कथा जो पॉइंट्स गुड़ाक सहित पंडा आपण कहले जे परीक्षा तो परीक्षा होछि किंतु जेहेतु टिके प्रॉब्लम रहिबो पिला मानक भितरे कारण देखो एक तो कोर्स रो गोटे समस्या दुइरे पाठ पढ़ा ठीक से न होइथिबा जगु आ गोटे होछि डाउट क्लियर पई कोनसे आ सुजोग भी नाही तेणु आ भितरे परीक्षा केमिति होबो से नै गोटे बड़ प्रश्न स्वप्नांजलि रहिछन हम साथे प्रतिनिधि स्वप्नांजलि परीक्षार रूपरेख नै आज कौन सूचना दे जाइछि से चिसि पक्षरु अवस्था जितेबेले नष्ट होइतिला आज याकु पुनरावृत्ति न करा जाय पिला मानकर जो माने युक्त दुई परीक्षार्थी रहिछन्ती पाखापाखी विज्ञान कला वाणिज्य एवं धंदामूलक शिक्षा रे जो परीक्षार्थी रहिछन्ती पाखापाखी 320,000 रु छात्र छात्री रहिछन्ती जो माने चलित वर्ष युक्त दुई परीक्षा देबे तेणु सेमानक जीवन ने छात्र छात्री जीवन ने ये होछि गोटे टर्निंग पॉइंट जोठि सेमानक उत्तीर्ण करिया पई पड़िबो तेणु सीएचएससी पक्षरु जो नोटिस जारी करा जाय छि एक कथा स्पष्ट भाबरे उल्लेख करा जाय छि जे आसंता एप्रिल 28 तारीख रे युक्त दुई परीक्षा हेबो जदिओ एक कथा स्पष्ट करा जाय नाही जे 28 तारीख रु परीक्षा आरंभ हेले केते दिन पर्यंत परीक्षा चालिबो एवं को डेट रे को परीक्षा हेबो को विषय को प्रथम तो ध्यान दिया जिवो ए विषय जदिओ स्पष्टीकरण रखा जाय नाही किंतु ए पक्षरु जो द्वंद्व पिला मानक मध्यरे थिला काहेकि ना देखंतु जदि आलोचना करबा ताले दीर्घ दुई वर्ष धरि दुई दुई टी शिक्षा व्यवस्था नष्ट होइछि पिला माने ऑनलाइन ने पाठ पढ़िछंती एवं ऑनलाइन ने डिवाइड करिके तांको मार्क दिया जायछि किंतु एथरक सेमिति हेबो नाही जो द्वंद्व देखाइतला आपण देखिछंती अनेक समय रे आमे मध्य खबर देखैछु जे राजधानीर राजरास्ता रे अनेक पिला छात्र गोष्ठी मध्य आसीछंती सामना को जे आमे परीक्षा देबु नाही जेहेतु आमे ऑफलाइन पाठ पढ़ा पढ़ी नाउ तेणु ऑनलाइन ने आमे एग्जाम देबु ये तमाम प्रसंग सामना रे थिला किंतु जो अभिभावक माने थिले जो अभिभावक महासंघ थिला शिक्षाविद थिला शिक्षाविद थिले राज्य सरकार ये समस्त जो मिलित उद्यम रे वर्तमान गोटे निष्कर्ष निलिमा बाहर छि जे पिला माने एथरक चलित वर्ष ऑनलाइन ने पाठ पढ़ी चंती एवं उभय ऑफलाइन ने मध्य पाठ पढ़ी चंती जदियो शिक्षा व्यवस्था टिके डाउन हे छि किंतु तथापि पिला मानकु कोभली भाव रे ऑफलाइन ने अभ्यस्त करया पई ऑफलाइन नो माध्यम सजा जायतिला एवं ऑफलाइन ने वर्तमान समान को परीक्षा देबा पई पूरा प्रस्तुत करायउ छि जेतेबेले खबर आसिला एवं आमे अनेक शिक्षाविद सहित आलोचना करूँ समस्त मुहरें से गोटे कथा जे पिलाने उत्साहित हो कि परीक्षा देवार आवश्यकता अच्छी कहीं एथर देखु ग्रीष्म ऋतु को सामने नजर रखिकी वर्तमान परीक्षा जो समय रही पूर्व आपड़ जानते जे 10 समय आरंभ हुए कि एथरक सका 9 परीक्षा हे और दैनिक जहाँ पूर्व प्रक्रिया रही दैनिक गोटे सीटिंग में परीक्षा आरंभ हे और बड़ कथा हो एप्रिल 28 रु युक्त दुई परीक्षा आरंभ हे उभय मानने कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक जो छात्र छात्री रही परीक्षा देते हैं जहाँ प्रतिक्रिया शुणुते विभिन्न शिक्षाविद परीक्षार्थी से विशेष खुशी कहीं पूर्व जो 70% सिलेबस परीक्षा दे आसी चलित वर्ष सामान लागू हम आउ गोटे द्वितीय कथा कहना चाहिए परीक्षार जो मूल्यांकन पद्धति देखू जमी दशम परीक्षार्थी मूल्यांकन पद्धति तीन टी मध्यम एथर कि युक्त दुई परीक्षार्थी दुईट पद्धति मूल्यांकन हो पाए जमीक क्वार्टर परीक्षा जो मैंने सेमानकर 20% एवं आनुआल परीक्षा जो माने देबे बा वार्षिक परीक्षा जो माने जो परीक्षा देबे से 80% तेणु एभली भाव में 100% परीक्षा सेमानकु देबा पाई पड़िबो एवं चलित वर्ष ऑफलाइन परीक्षा ही स्थिर धार्य अर्थात सबू पिला माने बाध्यतामूलक ऑफलाइन परीक्षा देबे एथरे कोनोसी द्वंद नाही जो तमाम प्रसंग पूर्व उठा जाइतला जे ऑफलाइन परीक्षा आमे देबु नाही अनेक छात्र गोष्ठी सामना को आसिले अनेक टायर मध्य चलीतला अनेक गोष्ठी संघर्ष मध्य देखिया पाई मिलतला किंतु सबु प्रकार कथा रे आज पूर्णच्छेद पड़ी अर्थात 320,000 छात्र छात्री युक्त दुईर छात्र छात्री एथर ऑफलाइन रे परीक्षा देबे नीलिमा निहाती भाव में गोटे अभिनय रही आम साथ जी अभिनय सी एच एस रज्ञप्ति पर बर्तमान आप जगार अच्छा से मानने जो एक तो बोर्ड रो नोटिफिकेशन तापर स्कूल मानने जो विद्यालय जो महाविद्यालय गुड़िकर प्रस्तुति छात्र छात्री प्रतिक्रिया कौन आप पाँच अपडेट कौन रोच पाखे निर्णीवा जो भाव में द्वंद्व रही है कि परीक्षा युक्त दुई परीक्षा ऑफलाइन हेबो ना ऑनलाइन हेबो ता एक प्रकार क्लीयर हो बोर्ड क्लीयर कर संपूर्ण भाव में परीक्षा ऑफलाइन हेब जो शासन मस एप्रिल मस रही एप्रिल मस 28 तारीख रू परीक्षा अनुषित पाखापाखी पाखापाखी राज्य 320,000 छात्र छात्री परीक्षा देते जो भाव कोविड कोविड गाइडलाइन मानिक सब समस्त परीक्षा अनुषित हो पाखापाखी 2 वर्ष पर युक्त दुई बोर्ड परीक्षा अनुषित हो
जोपरि भाव रही है जेहतु ग्रीष्म प्रभाव ए वर्ष अधिका रही तेणु पाखापी नौटा बेलू सका नौटे परीक्षा आरंभ हो एकम्र गोटे सीटिंग ही परीक्षा हे आम अच्छे बीजेपी जूनियर कलेज जोठे कि आम सह जन आम सह केमिस्ट्री लेक्चर जोड़ विज्ञान विभाग लेक्चर जोड़ी सीधे सह आलोचना करवा किपर भाव छात्र छात्री मैंने प्रस्तुति जारी रखिंट किपर भाव अनलाइन परीक्षा होता किपर भाव अफलाइन परीक्षा हम सहित सविशेष आलोचना करवा वर्तमान जो ऑफलाइन एग्जाम मु केमिस्ट्री रो लेक्चरर बीजेपी कॉलेज जूनियर कॉलेज रो तो वर्तमान जो एग्जाम पई डेट डिक्लेयर हला 28 तारीख पई सेई डेट अनुसार पिलांकर प्रिपरेशन तो वर्तमान ठीक ठाक अछि किंतु किछि मात्रा रे प्रभावित होइछि काहेकि ना ए जो छुट्टी हे गला पुनी मझरे गोटे मास छुट्टी हे गला तो पिला माने बहुत असुविधा रे सम्मुखीन हले किंतु जहाँ भी हो आम चेष्टा करके बहुत किसी क्लास करूँ वर्तमान भी क्लास अनगोईंग अच्छे आहरी किसी पर्सन हो किंतु जो 70% रो रहिला 70% पे जो प्लान करागला तो सिलेबस रो किसी काटी दिया है तो सही टे सुविधा हम आउ प्राक्टिकल पर्सन टा अलमोस्ट सरी जा सेकेंड इयर पिला आउ थियोरी रे से माने जहाँ भी प्रॉब्लम फेस कर चुन्दे आमे वर्तमान डाउट क्लीयरिंग क्लास भी किसी करी चु सो डाउट क्लीयरिंग क्लास भी पिला अटेंड करी के किसी मात्रा रे से माने उपकृत हो चुन्दे जो अनलाइन भाव आप पाठ पढ़ुते अनलाइन इंटरेक्शन ठीक भाव हो पार ना से अनलाइन पर ऑफलाइन से एग्जाम देते जो से दाबी कर अनलाइन एग्जाम कराऊ आम ऑफलाइन एग्जाम दरकार ना अनलाइन पाठ पढ़ु अनलाइन परीक्षा देव कितु जेहतु बोर्ड डिसाइड कला कि ऑफलाइन एग्जाम हम यहाँ से कौन के प्रतिक्रिया रखते आप डाउट क्लियर पर आस अनलाइन पाठपढ़ाटा एक्चुअली बेसी सुइटेबल हो पिला कहीं जहाँ भी हो बाध्य हो गले जो कोरोना महामारी पाई बाध्य हो जाते समस्ते जेहेतु बाध्य अनलाइनटा ठीक ठाक हो पारानी किंतु ऑफलाइन रे जिते भी पाठ पढ़ा हो आम मैक्सिमम चेष्टा करूँ कंप्लीट करने ऑनलाइन पाठ पढ़ा पिलांकर एते भी इनवॉल्वमेंट कम अच्छी देखा गले कि ऑफलाइन रे जिते भी पढ़ा हो 70% अलमोस्ट 50-60% कवर अप हो जाए ठीक अच्छे अफलाइन के भाव में आप प्रस्तुति केमी रखी के भाव में कलेज कोभी गाड़ी मारिक कि भाव में एग्जाम दिखाई अच्छा ऑफलाइन रे कौन है आम क्लासटा को रेगुलर करवा सह बाकी डाउट क्लीयरिंग क्लास भी किसी प्लान है जो मझे गोटे मस बंद है बंद होगापर खोलला डाउट क्लीयरिंग क्लासटा भी जो रखि दिगला तो सही पिला बहुत सब डिपार्टमेंट डाउट क्लीयरिंग क्लास करके बहुत किसी बंदोबस्त कराई तो पिला निजर पाठपढ़ा को बेस एवं अधिकार अधिका ये गोटे मस जो मस रु देस टाइम अच्छी जो छः सप्ताह समय अच्छी मैंने अधिकार अधिका इनवल्व हे डाउट क्लीयरिंग क्लास भी कलेज आसपारे तो कौन सी प्रकार से समय नष्ट न करी प्रिपेयर करेंगे एग्जाम भल करेंगे निश्चित भाव में आप प्रतिक्रिया शुणुते कि ऑनलाइन पाठ पढ़ा जारी रही है यार पिला युक्त दुई द्वितीय वर्ष पिला आसिक डाउट क्लीयरिंग क्लासेस करते जो जो थे डाउट रही है निजर शिक्षक शिक्षय बुझुंट और पाठ पढ़ुंट तो निहती भाव में रसित पंडा शेष में केवल आप प्रतिक्रिया ने देखो जेहेतु परीक्षा पिला गोटे बोझ रही थी तो कौन मेसेज देवे पे केमी प्रस्तुति निजर करवा दरकार देखो तो ए गोटे कथा मुझे छात्र छात्री मान को कहना चाहिए निरुत्साहित न हूँ कहीं देखो तो सब बड़े आमर घटना अघटना भितर आम आग को जीवक पड़ो जेहेतु आम गोटे गोल अच्छे जीवन रुक एचिव करवाक पड़ो किंतु गोटे जिनस हुए आम एवृत होने आम जब छात्र छात्री मान को मुझी से मैंने सका उठला भ्रमरी प्राणायाम टा करूँ किसी समय पांच मिनिट पर सन्धार सेमती भ्रमरी प्राणायाम करूँ पाठ पढ़ा आगर आउ गोटे आम विश्वास रही जदि आम गायत्री मंत्र को जप करवा आम चारिपटे नेगेटिव एनर्जी आप्रोच करनी आउ नो प्रेयर गोस अनआंसर्ड आउ पिता माता पाखु बर्तमान तो घरे रोचार पिला मैंने जो मैंने हॉस्टल रोचर जो सुपरिटेंडेंट मैंने अच्छा से मैंने टे पा सहित इंटराक्ट करूँ सबू बड़े जदि किसी निरुत्साहित होती को पिला टे नेगेटिव जाऊँगी ताको टे एनकरेज करूँ आउ सब अध्यापक अध्यापिका मैंने पिलांर संदेहटा को दूरीमुक्त करूँ आउ जो सब परीक्षा प्रश्न पड़ो से ही ढांचा टे प्रस्तुति करने चेस्टा करूँ एति जदि यही जो परीक्षा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा कहीं यही परीक्षा नंबर रे से माने यूनिवर्सिटी रे पढ़ा माने डिग्री कॉलेज रे पढ़ा सीट पाइबे एणु पिला मानन को आमे भगवान को पाखे प्रार्थना करिबा से माने ऑफलाइन रे
ଭଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ୱେତ ପଣ୍ଡା, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆର୍ଏନ୍ ପଣ୍ଡା ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଏବଂ ଯାହା ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ନହୋଇ ଯେତିକି ସମୟ ରହିଛି ସେତିକି ସମୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରେସରରେ ନ ଆସି ଠିକ୍ସେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସମୟ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।